केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अपने किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए नए नए कार्यक्रमों की घोषणा करता रहा है, जहां उसने आज यानी 18 अक्टूबर को केंद्र मंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रशासन से बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। आखिर क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा पर किसानों और केंद्र के बीच चल रही सियासी सरगर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां परसों सिंघू बॉर्डर पर निहंग समूह द्वारा की गई दलित लखवीर सिंह की निर्मम हत्या पर किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अपने हाथ पीछे कर इस कृत्य से अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर में हुई हिंसक घटना के विरोध में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहा है, जहां यह आंदोलन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक चलेगा, जिसके चलते आज उत्तरी पूर्वी रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 किसानों की गाड़ी चढ़ने के कारण मृत्यु हुई थी, जिसका आरोप केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगाया गया था, जिसके बाद से ही मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही थी। गौरतलब है कि वहीं आज टिकरी बॉर्डर पर भी महिलाओं द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया है, जिसमें उन महिलाओं का आरोप है कि किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आंदोलन स्थल के आसपास स्थित लोगों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके बाद किसान संगठनों को आंदोलन में शामिल ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।